आज इस लेक्चर हम लोग कार्डेंस मेथड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन एक्स टू द पावर 3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी इतना इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इस इक्वेशन को ना बाई कार्डेंस मेथड से अप्लाई सॉल्व करना। अब देखो, कार्डेंस मेथड किसी भी इक्वेशन में तो अप्लाई नहीं कर दोगे ना। किसी भी इक्वेशन में कार्डेंस मेथड अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या कंडीशन कहता है, कार्डेंस मेथड क्या कहता है? तो कार्डेंस मेथड ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी इक्वेशन है वो क्यूबिकल है या नहीं, मतलब डिग्री उसका 3 है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इक्वेशन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पावर तो 3 है यानी डिग्री 3 है, मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं कार्डेंस मेथड। दूसरा हमको ये देखना है कि इसका सेकेंड टर्म रिमूव है या नहीं है। अगर सेकेंड टर्म है तो आप कार्डेंस मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर सेकेंड टर्म रिमूव करेंगे तो आपका इस फॉर्म में मिलेगा और उसके बाद ये वाली टर्म नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। इसका मतलब ये कि हमको इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन होता तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कार्डेंस मेथड अप्लाई करते और अब रूट निकाल लेते, आंसर मेरे आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको इसका सेकेंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव कैसे करते हैं, तो इसमें हम बाई सिंथेटिक डिवीजन से रिमूव करना आपको सिखाए हैं, बाई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी आपको हम सिखाए हैं। तो वो वाले नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जहां पर लिंक दिए तो वहां पर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गिवन इक्वेशन लिखना है। गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट, इतना है। अब इसमें मुझे इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको बाई सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, लगाना है, सेकेंड टर्म रिमूव करना है, तो मुझे h निकालना पड़ेगा और h निकालने से पहले आपको a नोट निकालना है। तो हायर पावर 3 है यानी इसका कोफिशियंट क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे और a1 निकालना होगा। तो इसका जस्ट इसके नीचे बाद वाला सेकेंड टर्म का कोफिशियंट क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। उसके बाद n हमारा क्या होता है, सबसे हायर पावर होता है, हायर डिग्री होता है, वही हमारा n होता है। अब हम h बराबर जो हमारा फॉर्मूला आता है माइनस ए वन एन और ए नोट, हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ h बराबर अगर निकालना चाहे माइनस, यहाँ पे देखिए 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 और 3 और ए नोट बराबर क्या है, 1 है, तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते इधर से, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे h बराबर आपका आ जाएगा -2। अब h बराबर -2 आया, उसके बाद मुझे क्या, अब यहाँ पे बाई सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -2 है तो -2 लिखेंगे और इसका कोफिशियंट लिख देंगे। तो इसका कोफिशियंट क्या है, 1 है, 6 है, 9 है और 4 है। देखिए, अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन आपको समझ में नहीं आया था उस लेक्चर में, तो इसमें भी अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो h की वैल्यू है यहाँ पे लिख दिए और फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं लिखते हैं, इसको दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ कुछ ही नहीं लिखता है तो क्या मिलेगा, 1। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 लिख देंगे। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, ऐड कीजिएगा तो माइनस है तो 4 हो जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा यानी -8। अभी दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आ जाएगा क्या, -2, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 यानी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इसका रिमाइंडर हो जाता है आपको मालूम है, तो यहाँ पर हमको नहीं लगाना, सेकेंड टर्म रिमूव करना है। उसका फिर अगेन यहाँ पर लिखेंगे, जब 1 आ जाएगा फिर इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। थोड़ा और इसको नीचे लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1, इसे मल्टीप्लाई करते -2 यानी -2 आ जाएगा, यानी ये आपका 2 मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा, -4, ये होगा तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फिर से अगेन अगर ये 1 आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये आपका -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये क्या, 1 आ गया, राइट, इतना आ गया। ये जो आया ना, तो ये आपका क्या होता है, ए नोट होता है, ये a1 होता है और ये a2 होता है और ये a3 होता है, राइट।
अब यहां से एक नया इक्वेशन बनेगा जहां जिसमें हमारा सेकेंड टर्म रिमूव होगा, तो यहां से एक नया इक्वेशन का क्रिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए नॉट इज इक्वल ए नॉट जेड जेड के पावर 3। आप बोलेंगे सर 3 क्यों लेंगे, तो आपका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन आपका डिग्री कितने का था, 3 डिग्री का इक्वेशन था, यानी पावर 3 था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर 3 था, हम जितना पावर करेंगे उतना वही इक्वेशन बनेगा, इसमें अलग अब कम बेसी इक्वेशन में डिग्री में नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखिए और यहाँ पे प्लस आ जाएगा ए वन और जेड स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए टू और यहाँ पे जेड आ जाएगा प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, सभी की वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए कोफिशियंट बन जाए राइट। तो यहाँ से एक नया इक्वेशन हमारा जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वन है तो क्या आ जाएगा जेड क्यू और यहाँ पे देखिए ये तो जीरो है तो प्लस ये आ जाएगा जीरो, फिर अगेन यहाँ पे क्या माइनस थ्री तो यानी क्या आ जाएगा माइनस थ्री जेड, फिर उसके बाद क्या है टू है तो आ जाएगा क्या प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी आपका ये 3x माइनस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे एक इक्वेशन यहाँ पे इस फॉर्मेट में मिल गया। अब देखो यहाँ पे किया देखना, ये जो हम इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट किए हैं ना, तो एक इक्वेशन में आप जो वेरिएबल हम z की फॉर्म में माने हैं ना, आप इसको चाहो तो x के फॉर्म में मान सकते हो, w की फॉर्म में मान सकते हो, मतलब आगे जो अप्लाई नहीं होगा वो वाली आप वेरिएबल वहाँ पे एबीसीडी का अल्फाबेट आप ले सकते हैं ओके, तो उसमें आपका कोई इशू नहीं होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से हम लेट करते हैं एक इक्वेशन, इसका मतलब रूट लेट करते हैं जेड बराबर, मान लीजिए लेट करते हैं जेड बराबर हमारा जो यहां पे रूट आएगा यू के पावर 1/3 प्लस यू के वी के पावर 1/3, यू के पावर 1/3 और वी के पावर 1/3। अब बोथ साइड हल क्यू करेंगे तो क्या आएगा जेड के पावर 3 और यू के पावर 1/3 प्लस वी के पावर 1/3 का हल क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड के पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे यू प्लस वी आ जाएगा प्लस 3 यू के पावर 1/3 और वी के पावर 1/3 और यहाँ पे आता है हमारा यू के पावर 1/3 प्लस वी के पावर 1/3। अब इस फॉर्मेट में क्यों किए, क्योंकि हम जेड बराबर इतना मान चुके हैं, यानी हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा यू प्लस वी प्लस 3 यू के पावर 1/3 v के पावर 1/3 इतना बराबर जेड। अब इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाइए तो जेड के पावर 3 माइनस 3 यू के पावर 1/3 v के पावर 1/3 और जेड माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू जीरो। हम जैसे जिस फॉर्मेट में हम इक्वेशन यहाँ पे मान रहे हैं उसी फॉर्मेट में आपको भी चलना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या किए हैं टर्म आप रिमूव किए हैं, सेकेंड टर्म रिमूव किए हैं, अब सेकेंड टर्म अपना मन से तो रिमूव कर दिए, लेकिन जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होगा। फ्लक्चुएशंस क्या होगा, ये माइनस टू का ना लफड़ा होगा, अगर यहाँ पे टू आता है माइनस टू आता है फाइव आता है माइनस फाइव आता है सिक्स आता है तो इसका लफड़ा होगा, तो इसको हमको लास्ट में ना एक रिलेशन आपको लेके चलना पड़ेगा, वो आपको हम बताएंगे सोनोडन के, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तब हम क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ना यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3 इज इक्वल टू माइनस 3 है तो माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 यू के पावर 1/3 और वी के पावर 1/3 राइट। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, यानी यू के पावर 1/3 और वी के पावर 1/3 इज इक्वल टू आपका क्या मिला 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1/3 जो देख रहे हैं ना ये हमको हटाना पड़ेगा, यानी बोथ साइड हल क्यू से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बोथ साइड अगर हल क्यू करेंगे तो u इंटू वी इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 1 पे कितना भी पावर उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारा एक एक तो हमारा यहाँ पे ऐसा मिल गया। उसके बाद अगेन हम इसके साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अब इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं u प्लस वी इज इक्वल टू माइनस 2 राइट, इतना आ गया। अब ये हमारा दो यहाँ पे दो रूट मिल चुका है, अब यहाँ से हम अगेन लेट करेंगे, लेट लेट u एंड v रूट्स ऑफ, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बनेगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बनता है, टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी टी और प्लस यू इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं फिर से अगेन। देखो टी स्क्वायर हमारा माइनस यू प्लस वी और टी और यहाँ पे प्लस यू इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। देखो यू इंटू वी बराबर वन आया है और इतना बराबर माइनस टू आया है, तो टी स्क्वायर प्लस आ जाएगा टू टी और यहाँ पे प्लस आ जाएगा वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी करेंगे तो हमारा ये फैक्टर काम कर जाएगा, यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो टी प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस वन टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यानी टी प्लस वन और टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी टी बराबर माइनस वन इतना आया, राइट। अब ये इतना आया इसका मतलब ये कि हमारा ये डायरेक्ट यू और वी की वैल्यू है, यानी u बराबर माइनस वन आ जाएगा है। बोथ साइड हमको किस फॉर्मेट में चाहिए, वन बाई थ्री की फॉर्मेट में चाहिए, तो बोथ साइड अगर वन बाई थ्री यहाँ पे लगा देते हैं, देखो बोथ साइड वन बाई थ्री लगा देते हैं तो क्या मिलेगा, ये देखो ऑड है मतलब थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो आना ही आना है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, यू के पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे वी के पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, आगे कुछ लफड़ा होने वाला इशू नहीं है। तो इतना नोट डाउन किया, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यू और वी की वैल्यू आपको आ चुका है, यानी यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जिसको बोल सकते हैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री, आपको जिस फॉर्मेट आपको आसान लगे ना उस फॉर्मेट में मान लीजिएगा, उस फॉर्मेट में उसका आंसर रख दीजिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होता है, कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा, राइट। तो चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जेड वन की फॉर्मूला, देखिए हमारा क्वेश्चन जेड की फॉर्मूला जो सेकेंड रिमूव करके लाए थे इसको हम बनाए थे, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट रूट क्या होता है, यू के पावर वन बाई थ्री प्लस वी के पावर वन बाई थ्री, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस वन यानी क्या आएगा माइनस टू आएगा। अगला जो जेड टू आपका जो आएगा जिसको बीटा बोलते हैं, जेड टू जो आता है ये हमारा होता है ओमेगा यू के पावर वन बाई थ्री प्लस ओमेगा स्क्वायर वी के पावर वन बाई थ्री, राइट। और ओमेगा बराबर जो वैल्यू होता है आपको हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं और इंट्रो वाले लेक्चर में भी आपको हम बताए हैं, तो यहाँ पे होता है माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा थ्री बाई टू, राइट, यही होता है। और इसकी वैल्यू यू के पावर वन बाई थ्री की वैल्यू माइनस वन आया है प्लस ओमेगा, यहाँ पे माइनस वन बाई टू प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा स्क्वायर में है तो, और आयोटा अंडर रूट थ्री और बाई टू और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, राइट, इतना आ जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा वन बाई टू माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस वन बाई टू और ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा यहाँ भी आपका आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आयोटा अंडर रूट थ्री और टू। देखो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या जेड टू बराबर हमारा क्या आएगा, यहाँ से वन आएगा, जेड टू बराबर हमारा वन आएगा। अब जेड टू बराबर यहाँ पे हमारा वन आएगा, देखो ये हाफ हाफ तो वन ही आएगा ना, देखो कैलकुलेट कर लो ना यार, कहाँ टेंशन ले रहे हो, वन प्लस वन यानी टू बाई टू यानी वन आएगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेना। अब देखो यहाँ से ये वन आया है तो यहाँ जेड थ्री भी हमारा वन ही आएगा। अब बोलोगे सर आप तो बताए थे प्लस माइनस जो होता है उसको प्लस में डालते तो हमारा नेगेटिव होता है और नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव हो जाता है, इस प्रकार चेंज होता है। चेंजेस हम किस फॉर्म में बताए थे, जब आपको ये वाली आपको प्लस प्लस की फॉर्म में आगे रूट की फॉर्म में होगा इमेजिनरी पार्ट होगा तो उस केस में कंजुगेट पेयर होता है, ये तो सिंगल डिजिट इसमें क्या कंजुगेट पेयर करो, इसमें कुछ कंजुगेट पेयर तो होगा नहीं, अगला जो भी बनेगा जीरो बनेगा, हाई नहीं, तो ये जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे हो जाता है इस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन आप सोचेंगे सर यहाँ तो हमारा आंसर आ गया, एग्जाम में आप आंसर मार के आ जाओगे, लेकिन यहाँ पे आप कर दोगे गलती। क्यों गलती करोगे, क्योंकि आप जब सेकेंड टर्म रिमूव कर रहे थे ना, सेकेंड टर्म रिमूव कर रहे थे तो वहां पे आप माइनस टू रिमूव किए थे, और जब माइनस टू रिमूव किए थे तो माइनस टू तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड तो करना पड़ेगा ना, तब तो होगा आपका, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो अब यहां पे हम लोग ऐड करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को एक रिलेशन यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, तो काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं हेंस
रूट्स ऑफ गिवेन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवेन इक्वेशन। तो हम लोग के यहां पे जो x बराबर जो आया था माइनस टू, यानी h जो लिखे तो वो x बराबर माइनस टू, और यहां पे अगर इसको इस साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एकदम रफ में लिखते हैं, x प्लस टू आएगा इज इक्वल टू, इतना बराबर हम लोग जेड जेड जो लिए ना उसको रखते हैं, जेड लिए हैं उसको रखते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम प्लस जेड कर देंगे, प्लस जेड, देखो टू टू और जेड में डिफरेंस नहीं हो रहा है, हाँ प्लस यहाँ पे जेड ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स बराबर हमें मुझे यहाँ पे मिलेगा जेड माइनस टू मिलेगा, जेड माइनस टू मिलेगा एक्स बराबर। अब यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आया है ना वो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो देखो ये एक्स बराबर है ना, तो अब इसको एक्स बराबर जिसको हम काम करते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की फॉर्म में इसका हम रिजल्टेंट ले लेते हैं। आगे हम शायद आई थिंक एक्स वन एक्स टू की फॉर्म में नहीं लिए हैं, जेड वन की फॉर्म में लिए हैं, तो हमको टेंशन नहीं होगा। अगर अब देखो अंदर आप यूज कर लोगे एक्स वाला तो आप अल्फा बीटा गामा भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे अल्फा दे देना, अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट दे देना तो भी आपका चलेगा। ओके तो यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, वन बराबर हमारा है एक्स वन बराबर क्या है, यहाँ पे देखो जेड माइनस टू है तो जेड की जगह पे क्या माइनस टू लोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस टू, और पहले से टू था तो क्या आएगा माइनस फोर। फिर एक्स टू बराबर, अब जेड बराबर क्या है, जेड बराबर आपको वन है तो यहाँ पे लिखेंगे वन और माइनस टू यानी माइनस वन। फिर एक्स थ्री बराबर क्या है आपका आएगा वन और माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, यानी आपका जो रूट आया ना माइनस फोर माइनस वन माइनस वन आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पे रूट आया है। तो आई होप इस क्वेश्चन आपको आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ी बहुत अगर आप और आपको कन्फ्यूजन रहा होगा ना तो एक और क्वेश्चन हम लोग सेम टाइप का सॉल्व करते हैं, उससे आपको और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए इसको रन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम लोग का क्वेश्चन है सॉल्व दी क्यूबिक इक्वेशन एक्स के पावर थ्री माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव सेवन एक्स प्लस फिफ्टी फोर नाइन्टी वन इक्वल टू जीरो आपको दे रखा है। इसको बाई कार्डेंस मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है क्या कंप्लीट इक्वेशन है, तो यहाँ पर देख रहे तो कंप्लीट इक्वेशन है यानी सेकेंड टर्म रिमूव करना पड़ेगा। अनकम्प्लीट है तो सेकेंड टर्म आपका क्या होगा, सेकेंड टर्म आपका रिमूव होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्ट थर्ड टर्म रिमूव है तब उसके लिए फिर एक अलग से आपको कंसेप्ट लगेगा तो वो आपको हम बताएंगे आगे। ओके वैसे आपका एग्जाम वाले कंसेप्ट पूछता नहीं है तो कोशिश करेंगे पहले बता दें उसके बाद आपको हम बता देंगे, सब जो भी आपका कंटेंट है उसको प्रोवाइड करने के बाद उसको आपको हम बता दें। ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो गिवेन लिख लेते हैं। गिवेन जो हमारा दे रखा है इक्वेशन क्या दे रखा है एक्स क्यू माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर और माइनस थर्टी फाइव सेवन एक्स प्लस फिफ्टी फोर नाइन्टी वन इज इक्वल टू जीरो। राइट देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको क्या करेंगे, हमको सेकेंड टर्म को रिमूव करना है किसके, वाई सिंथेटिक डिवीजन, वाई सिन ऐसा लिख भी सकते हो शायद नहीं भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, वाई सिंथेटिक डिवीजन। राइट वाई सिंथेटिक डिवीजन, उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन का सबसे पहले तो हमको एच निकालने के लिए हमको ए नोट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए नोट बराबर देख रहे हैं सबसे हायर पावर क्या है थ्री है, इसके कोफिशियंट क्या है वन है तो वन लिख देंगे, और ए वन बराबर क्या है इसका क्या है माइनस फिफ्टीन है माइनस फिफ्टीन लिख देंगे, एन बराबर मुझे क्या हायर पावर क्या है थ्री है तो थ्री एन बराबर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एच बराबर निकालना होगा, हम इधर लिख डालते हैं एच बराबर होता है हमारा क्या माइनस ए वन बाई एन ए नोट यही होता है। अब इधर सॉल्व करते हैं देखो अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो h बराबर क्या है माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन माइनस फिफ्टीन बाई यहाँ पे क्या है थ्री है तो थ्री लिखेंगे, और a नोट बराबर वन है, a नोट बराबर वन है तो वन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे तीन पच है पंद्रह यानी आई माइनस माइनस प्लस होगा यानी h बराबर आपका फाइव मिला है। अब एक जो रिलेशन आपको बन रहा था एक्स बराबर क्या x बराबर हमारा ये 5 है और प्लस हम लोग z ऐड करते थे, अब ये वहां पे वही ऐड करना है जब आप इसको जिस फॉर्मेट में हम निकालना चाह रहे हैं आगे का जो आपका रिमूव करना चाह रहे हैं जो आपका सेकेंड टर्म रिमूव करके जो इक्वेशन आएगा तो जिस वेरिएबल के टर्म में लिखना चाह रहा है वही यहाँ पे आप लिखिएगा, अदरवाइज इसमें कोई इसको कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगा। आप अलग से एडिशनल याद रखिएगा नहीं तो लास्ट में लिखिएगा, चलो इसको लास्ट में लिख देंगे नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे। तो ये जितना यहाँ पे रिमूव करोगे ना उतना आपको ऐड करना होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ओके
अब यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक डिवीजन लगा देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब सभी का कोफिशियंट क्या है, 1 है, माइनस 15 है और माइनस 3, 5, 7 है और यहाँ पे क्या है 5, 4, 9, 1 है, राइट। यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 है 5 तो 5 आ जाएगा, यानी क्या माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ से गुना करोगे तो माइनस 50 आ जाएगा। जब इस सभी को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 7 और 10 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके ये 4 है 9 मत समझ लीजिए, 4 है, राइट। फिर यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 का 20 इतना आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे हम डिवीजन करके रख चुके हैं। जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 3, 4, 3, 4, 5, 6। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इस अगेन हम आगे का टर्म के लिए लेके चलेंगे, आगे का टर्म लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो माइनस वन है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। फिर ऐड करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे माइनस 5 मिल रहा है। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, माइनस 25 मिल रहा है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7, 5, 12 और 3 इतना आएगा, माइनस माइनस आ जाएगा इतना, ओके। और यहाँ से फिर ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और फिर यहाँ से अगेन करेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी ये आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये कि ये जो आपको मिला ना, ये ए नोट मिला, ये ए वन मिला, ये आपको ए टू मिला, ये आपको ए थ्री मिला, राइट। यहाँ से अब यहाँ से हम नया इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। नया इक्वेशन क्या है, ए नोट जेड क्यू प्लस ए वन जेड स्क्वायर प्लस ए टू जेड प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 0, राइट। ये मिल गया, उसका सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जेड क्यू और ये तो आ जाएगा 0 और प्लस ए टू, ए टू बराबर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर लिखे जैसे माइनस 4, 3, 4, 4, 3, 2 और यहाँ पे आ जाएगा जेड और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू 0, राइट। इतना मिल गया, तो मुझे जो इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जेड क्यू माइनस 4, 3, 2 ये आपका जेड है, ये आपका जेड है और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, राइट। अब इतना आने के बाद आपको लेट करना होता है, लेट जेड बराबर यू के पावर 1/3 प्लस वी के पावर 1/3। ये टर्म आपको ना याद रखनी होगा, स्टेप आपको नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत होगा। बोथ साइड हल के पावर 3 कर देते हैं तो क्या मिलेगा, जेड के पावर 3 और यहाँ पे 1/3 प्लस वी के पावर 1/3 और 3 आ जाएगा, राइट। अब मुझे इसके आगे आटेगा नहीं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे उसके बाद सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जेड के पावर 3 और यहाँ पे मुझे मिलेगा यू के पावर 1/3 यहाँ पे हमको मिलेगा यू प्लस वी प्लस 3 यू के पावर 1/3 और वी के पावर 1/3 और यू के पावर 1/3 प्लस वी के पावर 1/3 इस फॉर्मेट में मिलेगा। अब देखिए ये इतना बराबर हम क्या मान चुके थे, जेड बराबर मान चुके थे, यहाँ देखिए यहीं पर माने हैं, ओके। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, इधर लेके आ जाते हैं, तो जेड के पावर 3 माइनस आपका 3 यू के पावर 1/3 और वी के पावर 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा जेड और माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मानते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे तो कंपेयर करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इजी ए वाली उठाइए सेकेंड टर्म को और ये सेकेंड टर्म को उठाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 3 यू के पावर 1/3 वी के पावर 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपका इस फॉर्मेट में है, यहाँ पे क्या है 4, 3, 2 की फॉर्मेट में है, यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। यहाँ हमको इस फॉर्मेट में मिलेगा और यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, इसे 3 से अगर इसको आप कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, 3, 4, 12 और यहाँ पे मिलेगा आपका
तीन चौक बारह, ये तो 44 मिलेगा, यानी जेड के पावर 1/3 और वी के पावर 1/3 इज इक्वल टू आपका मिलेगा 144। ओके, अब वो साइड हल क्यू करेंगे तो क्या मिलेगा, यू वी इज इक्वल टू यू मिलेगा हमको 144 का पावर 3। ओके, तब जाके यहाँ पे मिलेगा। अब इसको हमको इसी फॉर्मेट में छोड़ देना, आगे हमको इसको होल पावर तोड़ना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर चुका है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन हो जाता है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, नहीं तो डाटा आपको याद रखना होगा। ओके, करते इसके साथ हम लोग इसकी इक्वेट करते हैं, तो अगला मुझे मिलेगा माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू, अगला क्या मिलेगा, 3456। क्या माइनस में नहीं है तो ये इतना ही आएगा। ओके, अब यहाँ से हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आपको मालूम है, अब यहाँ से रूट निकल चुका है, तो इसको हम रिलेट करेंगे यू और वी भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ऐसा करके, तो इधर का जो होप आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर इधर से हम सॉल्व कर रहे हैं। राइट, अब देखिए चीजें आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा और चीजें क्लियर होता जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर हम करते हैं लेट यू एंड वी बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको हम लोग रूट मान लिए हैं, राइट। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको इस फॉर्मेट में मानते हैं, टी स्क्वायर माइनस हम मानते हैं यू प्लस वी और टी मानते हैं और प्लस यू इंटू वी इज इक्वल टू जीरो मानते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस यू इंटू वी, यू प्लस वी बराबर क्या आया है, यहाँ पे देखो माइनस में आया है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3456 टी आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारा क्या आया है, यहाँ पे देखो इतना बराबर हमारा आया है और 44, तो यानी आपका आ जाएगा 144 के पावर 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इसका फैक्टर तोड़ना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग ए वाले फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे कि आप देखे थे टी बराबर माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। अब b की जगह पे क्या, b की जगह पे ये है, c की जगह पे ये है, और सॉरी हाँ c की जगह पे ये है और a की जगह पे कोफिशिएंट तो 1 है तो 1 होगा, तो इसका मतलब ये है कि यानी t बराबर आप यहाँ पे कट डालेंगे ना, इतना डालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 456 और मिलेगा यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट b बराबर यानी है 3456 का होल स्क्वायर और प्लस 4 into 144 के पावर 3 और इंटू 1ac बराबर क्या है, 1 है, a बराबर हमारा 1 है। ओके, और इतना हो गया और उसके बाद यहाँ पे a बराबर था आपका 1 है। ओके, अब सभी को आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये जो है ना सेम आ गया, ये 0 हो जाएगा, तो बेटर हमको जो टर्म मिलता है t बराबर माइनस 3456 मिलता है और 2 मिलता है। अब इसको जब डिवाइड डालोगे, जब इसको डिवाइड डालोगे तो क्या मिलेगा, इसको आप डिवाइड डालोगे तो ये t बराबर मुझे मिल जाता है माइनस, देखो 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 सत्य 14, 2 एकम 2 सत्य 14 आ जाएगा और 2 दुना 4 2 8 16, मतलब ये हमारा माइनस में इतना आया t बराबर। अब यही हमारा u यही हमारा v हो जाएगा, तो आई होप यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। ये वाली कैलकुलेशन आपको तो थोड़ा करना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करके रखे हैं, आप एक बार चेक कर लेना। ओके, तो चलिए समाधान कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए इसको हम चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अब उसमें जे ये इतना बराबर t की जगह पर u और v हम लोग रूट मान चुके हैं, आपको मालूम है जितना एक आया तो एक ही आया, तो दोनों एक ही u बराबर वी यही होगा से v बराबर वी यही होगा, इसका मतलब ये है कि u बराबर जो मुझे मिला है माइनस 128। अब हमको तो इसको तो इस फॉर्मेट में चाहिए, 1/3 की फॉर्मेट में चाहिए, -128 का पावर 1/3 की फॉर्मेट चाहिए, बोथ साइड हम कर लिए। अब इसको जब 12 को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना आता है, यानी -12 के पावर 3 इंटू 1/3,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u के पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 12, और v बराबर भी 1 के पावर 3 सेम है तो सेम ही आएगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा रूट है ना, तो हमारा इस फॉर्म में, जैसे कि हम यहाँ पे जेड बराबर लिखे, जेड वन जेड टू लास्ट में लिख देते, तो चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जेड वन बराबर क्या मिलता है, यू के पावर 1/3 प्लस वी के पावर 1/3, जब दोनों को ऐड करोगे तो -12 -12 ये क्या मिलेगा, -24, यानी ये जेड वन बराबर -24 आया, और यहाँ पे जेड टू बराबर हमारा क्या मिलेगा, ओमेगा u के पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v के पावर 1/3, ओके, इस सभी को सॉल्व करोगे, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ओके, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर सभी को जो अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो मुझे यहाँ पे मिलता है ओमेगा बराबर जो मुझे मिलेगा -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और यहाँ पे हमारा u के पावर 1/3, तो क्या आएगा, u बराबर तो -12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -12, आई थिंक हमको इधर अब आटेगा नहीं, इधर का हम मिटाते हैं, आई होप ये आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किया कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद हम इस आगे हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब काफ़ी अब नज़दीक पहुँच चुके हैं, और आई होप आप इस कार्डेंस मेथड को अच्छे समझ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, ओके। चलिए अब देखिए, यहाँ पे फिर अगेन प्लस देंगे, ओमेगा स्क्वायर पर क्या आता है, -1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, और यहाँ पे -12, ओके, -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 आ जाएगा, और यहाँ पे -12 आयोटा अंडर रूट 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 12/2, और यहाँ पे आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा अंडर रूट 3/2, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस में, तो ये तो आपस में आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 12, ये 12 है, कैंसिल होगा तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, जेड टू बराबर 12 मिल जाएगा, यानी जेड थ्री भी आपका सेम मिलेगा, क्योंकि आगे तो कुछ प्लस में है ही नहीं किया ताकि हम प्लस माइनस करें, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 12 कर देते हैं। अब मैं आप लिखेंगे हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन दिया है, अब उसका रूट निकालने का टाइम आ चुका है, तो एक्स बराबर आपका क्या आया है, यहाँ पे 5 आया है, और एक आपको क्या जेड आपको हम ऐड करने के लिए बोले हैं, एच बराबर क्या आया था, 5 आया था, तो ये इसका रिलेशन होता है, तो फाइव प्लस जेड आपको करना पड़ेगा, ये आपको जेड है 2 मत समझिएगा, ओके, जेड है। अब यहाँ पे जो जेड की वैल्यू लाए हैं, जेड वन जेड टू, उस प्रकार से इसमें लाकर पुट कर देते हैं, सबसे पहले एक्स वन निकालेंगे, तो हमारा ये 5 आएगा, और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जेड वन बराबर क्या आया है, जेड वन -24, तो यहाँ करेंगे तो -24, यानी आपका आ जाएगा ये -19। उसी प्रकार से एक्स टू बराबर क्या है, ये 5 है, और क्या आया है, 12 आया है, तो +12 करेंगे तो आ जाएगा ये 17, और x3 बराबर भी सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा, और यही आपका रूट्स हो जाएगा जो गिवन इक्वेशन होगा। अब बोलेंगे सर कि ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं ना, ये अचानक से कहां से बीच में टपक जा रहा है हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, तो देखो आप h बराबर आप यहां पे 5 था, अब 5 को आप रिमूव कर दें, जितना टर्म को आप रिमूव करेंगे ना उतना ऐड करना पड़ा। मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप चाहे आपका जो मन करे वो कीजिए, रिमूव कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, लेकिन लास्ट में बैलेंस करके हमको आपको सेम देना है। तो मतलब पांच अपना मन से रिमूव कर रहे हैं तो 5 तो ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाके आपका मेन रूट आएगा ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 ऐड करते हैं। तो ये वाली टर्म आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इसको आप नोट करके अपने कॉपी में कर लीजिएगा। देखिए जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से बॉक्स नहीं बनाना, जहाँ जहाँ हम बॉक्स बनाए हैं इसका मतलब ये हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि आपको माइंड में रिमाइंड करते हैं, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दो, जहाँ जहाँ बॉक्स बनाए इसका मतलब ये कि इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका मिस्टेक होने की चांसेस है, इसलिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा बॉक्स बिल्कुल नहीं बना, बोलेगे सर आप तो बना रहे थे, हम भी बना दिए अलग कलम से पेन से, तो नहीं, ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगी और आपके मार्क्स कट जाएगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ आपका कार्डेंस मेथड, आपका जो एग्जाम में जिस टाइप का पूछा जाता है उस टाइप का यहाँ पे आप कंप्लीट हुआ। एक आपका जो बच्चा है कार्डेंस मेथड इस टाइप का बच्चा है, मान लो AXQ है
और आपका प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यानी डायरेक्ट थर्ड टर्म रिमूव है। अब इस टाइप के इक्वेशंस को कार्डेंस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सिलेबस जो चल रहा है अभी डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन चलाएंगे, उसके बाद हाँ सब कंप्लीट कराने के बाद आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले वीडियो लेक्चर्स एक और आपको हम ऐड कर देंगे ताकि आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हो जाए। लेकिन एग्जाम आपका यहीं तक इसी दो टाइप में आपका पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछता। इससे रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो क्लास नोट्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप मेरा पेड यूजर नहीं है तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे। और मेरा कुछ भी डाउट होता है अगेन आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 7979707765 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी डाउट होता है तो। वो एनी पेड यूजर और नॉन पेड यूजर, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कार्डेंस मेथड अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और ये दो तीन लेक्चर के माध्यम से आपको 100% याद भी अभी तक हो गया होगा। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कार्डेंस मेथड कैसा लगा, कितना परसेंट आपको समझ में आया, अपना परसेंटेज भी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, 20%, 30%, 80%, 100% जैसा आपको लगता हो वैसा आप रैंकिंग दीजिएगा जरूर। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए।